एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ भिंडी की सब्जी रात का खाना बनाने के लिए। तो मैं इसे रूम में ले आती हूँ इनसे बात करते करते और बना लेती हूँ। तो मैंने रात का खाना बना लिया था और उसके बाद खा पी के हम सो गए थे। सुबह हो गई है, सुबह उठ गई हूँ और मैं यहाँ पर पी रही हूँ नारियल पानी। और नहीं, ये रात का खाना नहीं है, सुबह का खाना है, सुबह सुबह का खाना है। मैं नारियल पानी पीती हूँ आजकल रोज़ सुबह सुबह। पता है आपको, जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना घूमने फिरने, उस टाइम हम इतना बिज़ी होते हैं कि उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम ठीक है ठीक है। और जब आप अपने घर वापस आओ और जब आप थोड़ा रिलैक्स होता है ना आपका बॉडी, तब आपको फिर समझ में आता है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा थक चुकी है। और इस टाइम आपकी बॉडी को रेस्ट की, एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा अच्छी अच्छी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही मेरा हाल हुआ है इस टाइम पे। और मैं यहाँ पे बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, पानी वानी पी लिया था साथ में। फिर मैं यहाँ पे इनको चाय भी दे रही थी क्योंकि ये उठ गए थे। तो आदत है हमारे घर में सबकी सुबह चाय और बिस्किट के साथ जो शुरुआत है सुबह की, वो करने की। और फिर मैं उसके बाद लग गई अपनी सब्ज़ी बनाने में, सब्ज़ी की तैयारी करने में। और गांव में जो स्किन की बैंड बजी है वो तो आप सभी को पता है। स्किन इतनी डल, इतनी सुस्त, इतनी टैनिंग, इतना सब कुछ हो गया है ना कि इस टाइम पे आप स्किन की कुछ हफ्तों, कुछ महीने तक एक्स्ट्रा 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 केयर करने की ज़रूरत है ताकि मेरी स्किन पहले की तरह वापस आ जाए। और जब से मैं गांव से आई हूँ तब से मैंने स्टार्ट भी कर दिया है अपने स्किन पे एक्स्ट्रा केयर करना, अच्छा प्रोडक्ट लगाना। और मैंने कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, मैं आजकल आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है ममाअर्थ का बीटरूट हाइड्राफोर एसेंस सीरम। ये जो सीरम है ना, ये एक अलग ही पिंकिश ग्लो देता है आपके चेहरे को। और मतलब इसकी जो पैकेजिंग है ना, ये आप देख सकते हो, इसका ऑलमोस्ट दो पैक मैंने पहले, बहुत पहले यूज़ किया था, मैंने ख़त्म कर दिया था ऑलरेडी। मैंने आपसे एक शॉर्ट में शेयर किया हुआ था। और गाइस, ये आपकी स्किन को 92% हाइड्रेटेड रखता है एंड स्पेशली हाइड्रेटेड रखेगा आपकी स्किन को, एक अलग ही पिंक ग्लो प्रोवाइड करेगा। मेड सेफ है, सूट करता है ऑल स्किन टाइप को। बाकी इसकी और अच्छाइयाँ क्या क्या है वो तो हम बात कर लेते हैं। गाइस, ये ममाअर्थ बीटरूट हाइड्राफोर एसेंस सीरम, इसमें बीटरूट है एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स है। बीटरूट जो होता है ना, वो नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है एंड हाइलुरोनिक एसिड प्रोमोट करता है हाइड्रेशन। एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। 50 ml में आपको मिलता है 499 rupees में। एंड गाइज, ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि बस मैं क्या ही बताऊं। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास है बीटरूट ममाअर्थ का हाइड्राफोल सनस्क्रीन। इसमें बीटरूट है एंड हाइलुरोनिक एसिड है, SPF 50 के साथ मिलता है आपको, फॉर हाइड्रेटेड सन प्रोटेक्शन। मेड सेफ है, ऑयल फ्री है एंड गाइस काफ़ी लाइट वेट है एंड क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। बीटरूट जो होता है वो आपको नेचुरल ग्लो देता है एंड हाइलुरोनिक एसिड प्रोमोट करता है हाइड्रेशन को। नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ आता है, यूवी ए एंड बी प्रोटेक्शन के साथ मिलता है। ये आजकल मेरे दो फेवरेट प्रोडक्ट है जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल है। साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो निक्कू 2024 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में ममाअर्थ के इनिशिएटिव की बात कर ले तो प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत जब भी आप ममाअर्थ से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो ममाअर्थ आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक करते हैं जो कि प्लांट करते हैं आपके बिहाफ पे। ममाअर्थ का एम है 2025 तक 1 million ट्रीज को प्लांट करने का। साथ में आप अपने घर के आसपास आप देखोगे तो आपको ममाअर्थ के स्टोर्स भी नजर आएंगे।
और आप कहाँ से हो और आपके घर के पास क्या है मम्मा अर्थ का स्टोर, नीचे कॉमेंट करके बताना। और अगर आपको भी चाहिए स्किन एकदम चमक जाए, एकदम ग्लो, अलग सा ही ग्लो आपके चेहरे पे आए, तो थोड़ा सा चाहिए ये पिंक ग्लो, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और जल्दी से जाइए प्रोडक्ट बाय करिए, साथ में डेली यूज करिए, आपको रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा और अमेजिंग मिलने वाला है। और ये जो सुंदर सा पिंक पिंक ग्लो है, अभी थोड़ा कम दिख रहा है, आने वाले कल में थोड़ा ज्यादा दिखेगा तो आपको भी ये नजर आएगा। पार्टी हो रही है, लंच हो रहा है। तो गाइस दोपहर का समय है, हम दोनों मियाँ बीबी और रवीना हैं घर पे, हमने मंगाया डोसा साउथ इंडियन। आजकल चाइनीज पे बैन लगाया हुआ है इन्होंने मेरे, खा के एकदम हड्डी सूखती जा रही, पेट में दर्द होता रह रहा है, पेट में इन्फेक्शन इतना हो जा रहा है, चाइनीज नहीं खाना चाहिए। मुझे साउथ इंडियन अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ अच्छा लगने के लिए नहीं की जाती। आज एक साथ तीन तीन छुट्टी मिल गई रेस्ट करने की, है ना, गांव का सारा थकान निकल जाएगा। धनवीर क्या कर रहे हो? क्यों मम्मा धो देगी ना, अभी तो आप छोटे हो, कहाँ बड़े हुए हो, उस पे खड़े होके बड़े हुए हो आप तो, मम्मा कर देगी आपका काम, आप छोड़ दो। मैं छोटी हूँ, आप बड़े हो, आप मम्मा हो मेरी, ओके। सो गाइस हम लोग रात के बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं और हम लोग घर से निकल गए हैं, 10 मिनट हुए हैं मैं निकले हुए, और हम लोग जा रहे हैं मेरे घर, मतलब मेरी मम्मी के घर। कल है मेरे मामा मामी की एनिवर्सरी, तो मामा ने फ़ोन किया था और फिर मेरा भी मन कर रहा था कि थोड़ा मम्मी पापा सबसे मिल लूँ, ये बहुत दिन हो गया मिले हुए, और मतलब मेरा घर होली के टाइम पे गई थी तो वो भी 1-2 घंटे के लिए गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कल एनिवर्सरी है तो आज रात को चल जाती हूँ, रात भर रुकूँगी, थोड़ा सा बैठ के बातचीत करेंगे। फिर ये भी जा रहे हैं मेरे साथ, कल ये वहीं से ऑफिस चले जाएंगे, पार्टी अटेंड करेंगे, कल रात को आएंगे पार्टी अटेंड करेंगे, और थोड़ा सा मैं अपने बाबा से भी मिलूंगी, थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो मिल लेंगे उनसे भी, और बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जा रही हूँ मम्मी से मालिश करवाऊंगी अपने हाथ पैर कमर सबका, एकदम थकान हो गई है, थकान दूर कराऊंगी, आप विक्की से करा लेना। बोला हेलो गाइस मेरी एनिवर्सरी है, मुझे मिस कर दो। बोला हेलो गाइस, सीखो भाभी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई तुम्हारे, हेलो गाइस मेरी एनिवर्सरी, देखा देखी करना चाहिए। और उसके बाद कल रात को मैं आ गई थी घर, उसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं किया ब्लॉगिंग करने का, अभी थोड़ा सा मन कर नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहूं बस, इसीलिए थोड़ी बहुत क्लिप आपको अपडेट देने के लिए बस शूट कर लिया है, अदरवाइज़ अभी मन नहीं कर रहा। फिर हमें थोड़ा सा काम था तो मैं मम्मी और धनी जा रहे थे मार्केट, मतलब माँ मामी के लिए कुछ लेना था एनिवर्सरी के लिए, तो इसलिए हम फिर मार्केट। सो गाइज़ ब्लॉगिंग मेरा आजकल नहीं चल रहा है इतना कुछ खास, क्योंकि ऐसा कुछ अलग सा है नहीं कि आपके साथ रिकॉर्ड किया जाए, जब कुछ अच्छा अच्छा रहता है तो मैं बहुत सारे ब्लॉग्स आपको डे में देती हूँ, और अभी मेरे को थोड़ा सा ऐसा चाहिए ना कि थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा शांति वाला चाहिए, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग पर नहीं ध्यान दे रही, क्योंकि बहुत थकान हो गई है, और इसकी वजह से मैं यहाँ पर 2 दिन मम्मी मतलब कल आई थी और मैं मालिश वालिश कराया पैर का कमर का, तब जाके थोड़ा सा वो लग रहा है, मतलब 12-13 घंटे गाड़ी से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और मैं एक चीज़ आप सभी के साथ के वो करने वाली हूँ, थोड़ी सी बैठ के मैंने सोचा कि बातचीत कर लिया जाए। एक्चुअली मैं गांव से आई थी ना, तो मैं से रवीना को बोल रही थी कि मुझे पता है तुम मेरे रूम में थी, मेरे को मैसेज आ जाता है, तो काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन हो गया था कि मतलब मेरे रूम में कोई कैमरा है इसकी वजह से मेरे को मैसेज आ जाता है या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे रूम में जो टीवी है ना
तो वो अगर कोई ऑन करेगा, मतलब कोई क्या, रवीना ही ऑन करती है, वो ही मेरे रूम में जाके टीवी देखती है, तो जब वो मेरे रूम का टीवी ऑन होता है ना, तो एक टेक्स्ट मैसेज मेरे फ़ोन पे आता है, तो उसकी वजह से मैं उसको कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम मेरे रूम में थी, टीवी देख रही थी, क्योंकि वो टेक्स्ट मैसेज उस टाइम मेरे पास आया था। ऐसा नहीं है कि मैं अपने रूम में कोई कैमरा लगा के रखूँगी, कैसे, मतलब कुछ लोगों की सोच होती है कि अरे निक्की ने अपने रूम में कैमरा लगा रखा है, ये वो पता नहीं क्या 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 क्या। तो वही, जब कैमरा लगेगा तो पूरे घर में लगेगा, एक स्पेशली मेरे रूम में, और बेडरूम में तो किसी के भी कैमरा नहीं लगता है, ये तो नॉर्मल सा है कि नहीं लगता किसी के भी बेडरूम में कैमरा। तो वो जो टेक्स्ट मैसेज आता है ना, वो उससे मैं उससे कह रही थी कि मुझे पता है तुम वहाँ पे बैठे थे, क्योंकि मेरे रूम में जब भी टीवी ऑन करती है ना रवीना, तो मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी हम बाहर जाते हैं, तो वो एक मैसेज आता है टेक्स्ट करके, क्या मैसेज आता है, कभी आएगा, अभी रखा है अभी तो ऐसे की हूँ, उस टाइम से पैर ऐसे कर रखी थी, तो पैर के पास रखने की जगह है वो शर्ट, उधर रख देता, वो तो इन हो जाएगा। तो उसके बाद तो बस यही चीज़ थी, और इससे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी बार बार। सो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, और बस और कुछ नहीं।